हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग विद पीस। माय नेम इज़ कुंदन। आज मैं आपको लेके आया हूँ दिल्ली की मशहूर लोधी गार्डन। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इज़ जोरबाग। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आपसे, ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल। तो चलिए देखते हैं क्या खास बात है लोधी गार्डन में, क्या क्या चीज़ है देखने के लिए। अब मेरे साथ शुरू से लेके एंड तक बने रहिए। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं सामने जो घर हैं, इसको ग्लास हाउस कहा जाता है, कांच की घर। सो बेसिकली इस ग्लास हाउस में जो मेडिकल प्लांट्स है, मेडिकल प्लांट्स जो एयर को प्यूरीफायर करता है, एयर को प्यूरीफायर करके प्योर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। सो इस टाइप की प्लांट्स इस ग्लास हाउस में आपको मिल जाएंगे देखने को। दोस्तों, लोधी गार्डन में आपको बहुत किस्म की बर्ड्स देखने को मिल जाएंगी और बहुत ही अच्छी पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ पे। आप यहाँ पे हर जगह आपको कपल्स ज़रूर देखने को मिल जाएंगे और वैसे भी यहाँ पे फैमिलीज़ भी आती हैं, यहाँ पे अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाते, बहुत इंजॉय करते हैं। और यहाँ पर वेडिंग शूट के लिए बहुत मशहूर है वैसे भी लोधी गार्डन। एक दिन समय बिताने के लिए परफेक्ट जगह है, परफेक्ट डेस्टिनेशन है और बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ पे देखने के लिए। वैसे भी तो ये गार्डन नाम है बट ये अंदर से फॉरेस्ट जैसा लगती है। और आप मेरे साथ बने रहिए एंड तक, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे और क्या क्या चीज़ है, क्या देखने के लिए क्या क्या है खास। आप मेरे साथ एंड तक बने रहिए। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, कितनी अच्छे से मेंटेन किया गया है लोधी गार्डन को। ये जो सामने एक मकबरा टाइप का है कुछ, और अंदर भी और भी दो हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको दिखाऊंगा एक एक चीज़। बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया गया है लोधी गार्डन को और बहुत ही पीसफुल जगह है लोधी गार्डन। आप देखिए फ्रेंड्स, कैसे मिट्टी खोद के रास्ता बनाया गया है नीचे से। यही खास बात है, यही यूनिक चीज़ के लिए लोधी गार्डन खास है और बहुत ही अच्छी खूबसूरत है। दोस्तों, कहने को तो ये लोधी गार्डन है लेकिन अंदर से ये फॉरेस्ट जैसे लगती है, बहुत बड़ा है ये। एक्चुअली आप इसको पूरा लोधी गार्डन को कवर करने के लिए काफ़ी समय आपको लग जाएंगे।
दोस्तों देखिए, ये लोधी गार्डन के अंदर ही बहुत ही खूबसूरत सी एक तालाब है, और इस तालाब में फाउंटेन भी है जो लोगों की एंटरटेन के लिए लगाया गया है। और बहुत ही अच्छी ये तालाब है, यहाँ पे बतख भी तैरते हैं, बहुत सारे बतख तैरते हैं। आप दूर देख सकते हो, एक पुल भी है, और बहुत ही अच्छी ये तालाब है, आपको देखने को मिल जाएगा लोधी गार्डन में। ये एक फोर्ट है जो लोधी गार्डन के अंदर ही है, बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर रखा है और बहुत ही अच्छी है, और आप देख सकते हो फ्रेंड्स। वैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे जगह जगह आपको कपल्स आपको मिल जाएंगे, इस गार्डन की कोने कोने आपको कपल्स जरूर देखने को मिल जाएंगे। बतख का पूरा झुंड है यहाँ पे, देखिए आप कितनी खूबसूरत नजारा है, कितने सारे बतख हैं यहाँ पे और बहुत ही अच्छी दिख रही है। आप देखिए दोस्तों, लोधी गार्डन में कितने सारे बर्ड्स की वैरायटी जो है यहाँ पे मिलती है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये लोधी गार्डन के अंदर ही बहुत ही खूबसूरत सी ये दो मकबरा है, और इसके आसपास ये बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया गया है, ग्रीन ग्रास आप देख सकते हो, और काफ़ी लोग यहाँ पे खेल रहे हैं फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर आप कहीं पे दिल्ली में आसपास हो, अगर लोधी गार्डन आपने विज़िट अभी तक नहीं किया है, तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप आइए यहाँ पे और इन्जॉय कीजिए अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली के साथ। ये है बाम्बू ट्रीज, ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी लग रही है बाम्बू ट्रीज, और आप देखिए वो दूर आपको वहाँ पे वेडिंग के लिए शूट भी चल रही है, आप देख सकते हो सामने ही दिख रही है मुझे, और काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत ही खूबसूरत है। Thank you.
दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल ट्रैवलिंग विद पीस एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।